Hello students, I think I am online now. Hello, good evening guys. Ek minute mein dekh leti hu. Yeah. Oh, start the stream. Yes. Okay. Kyun nahi aa raha hai? Okay. Got it. Yes, good evening. Sagyun Agastam aa gaye hain and Four Star Gaming. Hello. So yes, good evening and welcome to An Academy guys. So sorry. Yeah, so hello dear students, this is Anjali Yadav, history and political science educator hoon main class 11 and 12 mein, aur mera jo referral code hai guys ANJALEELIVE, आप ये टाइप करोगे तो मेरे सारे क्लासेस आप देख सकोगे और मैंने बहुत सारे क्लासेस और आज खास करके पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन का चाइना पार्ट टू, चाइना पार्ट वन 14th को मैंने किया है. जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लो. हाउ आर यू पूछ रहा है सैग्यून अगस्तम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम लोग बताओ क्या हो रहा है. बहुत ठंड है ना आप लोग के यहाँ भी. बहुत ठंड है गाइज. सागियोन एंड फोर स्टार गेमिंग बताइए आप लोग. ओके, सो अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में थोड़ा मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि आप बिल्कुल घर में आराम से. अरे आलोक आ गया. हाय आलोक. हाय रुद्रनंद. हाय गुड इवनिंग. अ वेरी गुड इवनिंग गाइज. आलोक पिछले क्लास में भी था. यस आलोक मुझे याद है तुम्हारा. तुमने चाइना पार्ट वन भी किया है ना, तो आज हम लोग चाइना पार्ट टू करेंगे. सो वेरी गुड, वेलकम टू माई क्लास गाइज. नमस्कारम. क्लास शुरू करती हूँ. पहले अन अकेडमी के कुछ प्लस फीचर्स बता दूँ. हाँ बहुत ठंडी है. यहाँ पटना में भी बहुत ठंडी है. सो लर्न लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. इतने ठंड में कहीं जाना नहीं पड़ रहा है. कितना मज़ा आए गाइज आप लोगों को, है ना. PDF में आपको नोट्स मिल जा रहे हैं और क्या चाहिए. घर में एक सोफे पे बैठ जाओ, बैठ करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और कम समय में कर लो ताकि स्विमिंग, डांसिंग, वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप लोगों के पास बहुत टाइम रहे. और यहाँ पे तो आप लोगों को अन अकेडमी ने क्रिएटिव कॉर्नर भी दे दिया है जिसमें आप डूडलिंग, पेंटिंग और वो उसको क्या कहते हैं, निमोनिक्स, जो ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो देख सीख सकते हो. मेमोराइजिंग टेक्निक सीख सकते हो. रोबोटिंग हम लोग आगे देखेंगे क्रिएटिव कॉर्नर में क्या क्या सीख सकते हो. यहाँ पे तो गाइस प्रैक्टिस सेक्शन भी है. जैसे देखो अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स में वीकली मॉक टेस्ट सीरीजेज होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं, तो आप हमेशा अपने आप को तैयार पाते हो कि प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. रोज क्विज में भाग ले लो. नमस्कार अब्दुल्ला कह रहे हैं. नमस्कार पूर्वी. गुड इवनिंग पूर्वी आ गई है. गुड इवनिंग पूर्वी. गुड इवनिंग. बहुत सारा गुड इवनिंग तुम्हारा मिल गया. ओके हो गया पूर्वी. अभी आ गया. हाय अभी. गुड इवनिंग. सो लाइव टेस्ट सीरीजेस गाइज यहाँ पे होते हैं. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आप लोगों का. एकदम सोचो एक साल का कोर्स 3-4 महीने में समेट देने से आप लोगों के पास कितना टाइम है प्रिपरेशन के लिए. सो वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अन अकेडमी. और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, लाइव टेस्ट सीरीजेस हैं, स्टडी मटीरियल आपको PDF में मिलता है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस एज यूजुअल आप लोगों को मिलता है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है गाइज. यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाता है बिल्कुल पर्सनली गाइड करने के लिए. ज्योति आ गई है. गुड इवनिंग ज्योति. और ये भी आ गए हैं. अच्छा मुफद्दल आप पिछले क्लास में भी थे, है ना. वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सो यस, सो पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, पेरेंट के साथ कनेक्शन हो जाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं गाइज, स्टडी प्लानर है आपको मिल जाता है जिससे कि आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हो. रिजवान आ गया. हाय मोहम्मद रिजवान. गुड इवनिंग. फोर स्टार को मैंने पहले ही हेलो कहा है. अभी मैं भी आ गया. हाँ अभी मैंने देख लिया. सो ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस के साथ साथ आइकॉनिक फीचर्स में आपको ये सारे, जैसे पर्सनल मेंटोर है, पेरेंट कनेक्शन है, ये मिल जाता है.
क्रिएटिव कॉर्नर जैसा कि मैंने बताया, वैदिक मैथ्स, पोइट्री राइटिंग, डूडलिंग, स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, रोबोटिक्स, ओरिगामी, जो पेपर क्राफ्ट वर्क होता है वो भी आप सीख सकते हो, निमोनिक सीख सकते हो, मैजिक ट्रिक्स एंड डिबेटिंग गाइस, सो मेनी थिंग्स आप यहाँ क्रिएटिव कॉर्नर में भी सीख जाते हो। अन अकेडमी का एसएन प्रोग्राम भी जैसे है, आप लोग एमसीक्यू वहाँ करेंगे तो आप लोगों को स्कॉलरशिप का चांसेस बनता है। सो क्लास 11 प्लस सब्सक्रिप्शन गाइज, यहाँ पे ANJALEELIVE आप डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा आप देख रहे हो यहाँ एक महीने का भी है और 3 महीने का है, जहाँ आप देख रहे हो कर्सर जा रहा है 6 महीने का भी है। तो अभी मैं सारा रिवाइज करा रही हूँ, रिविजन वर्क चल रहा है, तो आप यहाँ भाग ले सकते हो 2700 एक महीने का लेकर के रिविजन भी कर सकते हो। सो मेरा कोड ANJALEELIVE11 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 6 महीने के लिए है और 3 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन का ये है, और क्रिएटिव कॉर्नर क्लास 12 का भी जो है 15,300 में 6 महीने का उपलब्ध है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैंने फटाफट आप लोगों को थोड़े से अन अकेडमी के जो प्लस फीचर्स, आइकॉनिक फीचर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर, ये तीनों के बारे में मैंने बताया। और आप लोग मेरा जो कोड है गाइज, मैम आई वॉज ऑल्सो इन प्रीवियस, यस यस पूर्वी मुझे याद है, पूर्वी तुम थी, ठीक है। आप लोग सब अभी नहीं लाइक करना, थोड़ा देख लो क्लास, उसके बाद इच्छा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हो। सो ओके, तो हम लोग आज चाइना पार्ट टू पढ़ने वाले हैं ना, सो लेट्स बिगिन। द चैप्टर इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन गाइज, ये आप लोगों का चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 क्लास 11 का हिस्ट्री। बहुत बार बीच में बच्चे पूछते हैं कौन सा चैप्टर है मैम, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन चैप्टर 11 क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री आप लोगों का। और ये मैंने चाइना का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, 14th को आप लोग देख सकते हो गाइज, और आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। और सेकेंड पार्ट में गाइज मैं एक और चीज़ बहुत अच्छे से ये कीवर्ड मेथड समझाने के लिए, फर्स्ट स्लाइड मैंने वैसे ही बनाया है, थोड़ा ध्यान दो कि ये कीवर्ड मेथड क्या होता है। पूर्वी कह रही है सो स्वीट, थैंक यू सो मच ज्योति, पूर्वी सभी को थैंक यू सो मच। तो ये कीवर्ड मेथड क्या है गाइज, इसमें थोड़ा सा समझो, जो येलो पोर्शन मैंने लिखा है ये ब्रेन ना कॉम्प्रिहेंड करता है उस तरह से, जब तुम पढ़ोगे और आंख बंद करोगे, पढ़ने के बाद आंख बंद करना, तो देखोगे येलो कलर में जो वर्ड्स है ना वो तुम्हारे ब्रेन में छप जाएगा, एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा स्लाइड आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सिस्टम होता है कीवर्ड मेथड, इसको बोलते हैं, जहां आप कीवर्ड्स ढूंढ के हाईलाइट कर दो तो वो याद रह जाता है। इसी तरह से तुम लोग ये कर सकते हो, दो काम देखो, दो पर्पस है इस तरह से लिखने का। फर्स्ट पर्पस इज कीवर्ड मेथड समझाना, क्लियर है, जो मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना और उसको याद करने का ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, ये जब तुम आंसर्स लिखोगे अपने बुक में, अपने आंसर शीट में, तो बोर्ड्स में टीचर क्या होता है, कीवर्ड्स ढूंढते हैं कि आपने लिखा है कि नहीं, रिपब्लिक वर्ड लिखा कि नहीं, सुनिया सेन लिखा कि नहीं, मॉडर्न चाइना लिखा कि नहीं, पुअर फैमिली लिखा कि नहीं। तो अगर तुमने ये सारा लिख दिया तो पूरा नंबर तुमको मिल गया, क्लियर है, फुल मार्क्स मिल गया। सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट कीवर्ड मेथड, इससे आपको याद करने में भी आसानी, और जो आप टीचर जो आपका चेक करेगा वो एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा, बिकॉज ही और शी हैड टू सी सो मैनी पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। आई एम कृतिका, ओके ओके मैम, माई एग्जाम इज ऑन 15th of January, ओके पूर्वी, तो आपको ये फायदा होगा, आप समझ जाओगे इस तरह से, अगर हाईलाइट करोगे और जब पढ़ते समय भी करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन नाउ, मैंने छोटा सा एक कीवर्ड मेथड का आपको एग्जाम्पल दे दिया, चलो। सो इन 1911 द मांचू एम्पायर, जो आप लोगों को मैंने पिछले बार बताया है कि मांचू एरिया को चाइनीज लोग, चाइना के जो लोग हैं, मांचू को क्या कहते हैं, मांचू ऊपर है नॉर्दर्न साइड में, उसको कहते हैं वो फॉरेन लैंड है, उनका अपना लैंड नहीं है, जैसे तिब्बत उनका अपना नहीं है, ताइवान उनका अपना नहीं है, तो मेन लैंड चाइना में नहीं आता है। तो मांचू एम्पायर को इन लोगों ने कहा ये फॉरेन एम्पायर है, करेक्ट, फॉरेन एम्पायर को जल्दी हटाना है। तो 1911 में
मांचू एम्पायर वॉज ओवर थ्रोन एंड अ रिपब्लिक वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर सुन यात-सेन। सुन यात-सेन ने ये रिपब्लिक की, मैं आगे जाके बताऊंगी आपको कि कैसे हुआ। सो ही वॉज कलेक्टिवली, सुन यात-सेन के बारे में मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया है गाइज, आप लोग देख लेना कि सुन यात-सेन कौन थे, ठीक है। ही वॉज कलेक्टिवली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, उनको मॉडर्न चाइना का फाउंडर बताया जाता है। वो कहाँ से आए थे, एक पुअर फैमिली से थे। सुन यात-सेन पे आपको शॉर्ट नोट आता है, तो आप देखो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको याद रखोगे तो एकदम से तुमको क्लियरली याद हो जाएगा। मंजू एम्पायर, मंजू नहीं, मांचू, मांचू एम्पायर, ठीक है, करेक्ट। तो सुन यात-सेन बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे। इन्होंने कैसे, जो मिशनरी स्कूल में वो पढ़ाई उन्होंने की है, जैसे कि डेमोक्रेसी से, उनका कहा जाता है कि डेमोक्रेसी से उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई, जब वो क्रिश्चियनिटी एंड डेमोक्रेसी से उनकी मुलाकात कहाँ होती है, साई चर्च फाउंडेड बाय द लंडन मिशनरी सोसाइटी इन 1888 में, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पढ़ाई की, स्कूलिंग वहाँ हुआ, तो उनको क्रिश्चियनिटी और डेमोक्रेसी दोनों से उनकी मुलाकात वहाँ हुई। उसके बाद वो वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ते हैं इन हांगकांग कॉलेज ऑफ मेडिसिन, हांगकांग कॉलेज ऑफ मेडिसिन। हांगकांग भी चाइना का पार्ट था कभी, लेकिन प्रथम अफीम युद्ध में, मैंने पहले बताया है तुम लोगों को कि अफीम वॉर में वो खो जाता है, लॉस्ट चाइना लॉस्ट इस एम्पायर, हांगकांग को ब्रिटिशर्स को देना पड़ जाता है, ठीक है। सो नाउ प्लीज एवरी वन हम्बल रिक्वेस्ट टू कीप द चैट साइलेंट, ओनली टेक्स्ट वेन देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज। करेक्ट करेक्ट मुफद्दल, थैंक यू सो मच मुफद्दल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग ही अगर अपने आप को थोड़ा कंडक्ट करोगे तो मुझे भी क्लास में मजा आएगा क्लास कराने में। थैंक यू सो मच मुफद्दल। सो नाउ ही हैड स्टडीड वेस्टर्न मेडिसिन इन हांगकांग कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ही स्टडीड मेडिसिन बट वॉज ग्रेटली कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ चाइना, ठीक है कि वो डॉक्टर भी बन सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा चाइना की स्थिति से बहुत ही व्यथित थे। चाइना वो वर्ल्ड में घूम करके उन्होंने देखा था, बाहर पढ़ाई की थी, वेस्टर्न कल्चर को समझा था, तो चाइना के दुखदायी स्थिति से वो बहुत ही व्यथित थे, तो वो चाइना को चाहते थे थोड़ा मॉडर्नाइज करना, ठीक है। सुन पिक्चर्ड अ रिवोल्यूशन एज सिमिलर टू द सेल्वेशन मिशन ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, जैसे क्रिश्चियन चर्च बताती है कि कैसे सेल्वेशन की ओर जाए, कैसे कहने का मतलब मुक्ति के पथ पर कैसे चले, कैसे ये मिशन हैप्पी हार्मनी, ये जो हैप्पीनेस हार्मनी लाना, ये इस पे चलने लगे, और इनको चाइना में इन्होंने रिवोल्यूशन लाया एक तरह से। लास्ट एम्पायर जो थे 6 साल के, ठीक है, 6 साल के ओल्ड पुई, किंग डायनेस्टी का लास्ट एम्पायर 6 साल का पुई, उसको फॉर्मली एबडिकेटेड, सिंहासन से उतार दिया गया 1912 में, एंडिंग नॉट ओनली द किंग डायनेस्टी बट चाइनाज मिलेनिया लॉन्ग इम्पीरियल पीरियड, जो ये डायनेस्टिक रूल चल रहा था जिसके तहत किसान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे, निम्न वर्ग निम्न होते चले जा रहे थे, गरीब से गरीब होते चले जा रहे थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे, चाइना में कोई विकास नहीं हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, 100 साल की त्रासदी इन्होंने झेली थी, जो मैंने पिछले क्लास में बताया है 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन उसको कहा जाता है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, कोई भी कहीं से आके चाइना को पीट के चला जा रहा है, तो चाइना कह रहा है कि मैं क्या घंटा हूँ कि मुझे जो चाह रहा है वो बजा के चला जा रहा है। क्लियर है, एक फिल्म का डायलॉग मैंने तुम लोगों को दे दिया, ठीक है। तो चाइना की स्थिति वही घंटे जैसी थी कि जो आ रहा है थपड़िया के चला जा रहा है, क्लियर है। तो नाउ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी मिलेनियल लॉन्ग इंपीरियल पीरियड को खत्म करने के लिए इन लोगों ने, हर्ष आ गया, ओके हाय हर्ष, हाय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 12th का वीडियो हाँ आएगा आएगा, 25, 26, 27, 27 तीन तारीख को, 3 दिन आएगा 12th का, सो ओके। तो सुन यात-सेन वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो 1 मार्कर आपका यहाँ आ गया गाइज। सुन यात-सेन ने पुई को हटा करके, सिंहासन से हटा करके, इन लोग रिवोल्यूशनरी जो ये ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सुन यात-सेन को बना दिया, एंड द रिपब्लिकन एरा ऑफ चाइना हैड बिगन। तो फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश कब हो गया, सुन यात-सेन के संरक्षण में, और उन्होंने 1912 में स्थापित किया और फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। नाउ
we will see the three principles of Sunya Sen program. Sunya Sen बहुत ही पूर्वी कह रही है मांचू एम्पायर. मांचू एम्पायर का मतलब मंचूरिया जो जगह था गाइज. तुम लोग वेज मंचूरियन चिकन मंचूरियन नहीं खाए हो? सब लोग खाए हो ना? ठीक है, चुप हो जा बहन, कह रहा नहीं. पूर्वी पूर्वी को मैं समझा देती हूँ. अमरेंद्र एक मिनट. गुड इवनिंग अमरेंद्र, गुड इवनिंग. पूर्वी मंचूरिया एक जगह है चाइना का, उसको आउटसाइडर माना जाता है. क्लियर है? हाँ ठीक है. उसी का एम्पायर था तो मांचू एम्पायर कहा गया. क्लियर है? चल थ्री प्रिंसिपल्स गाइस, थ्री प्रिंसिपल्स देखो. सैन मिन चुई ऑफ सुनिया सेंस प्रोग्राम, इसको कहा जाता है सैन मिन चुई चाइनीज भाषा में. नेशनलिज्म, सबसे पहला नेशनलिज्म, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं थी. इतने दिनों तक राजाओं का शासन था और जैसे टैक्सेस वसूल करना, उनके पे टैक्स पेयर के मनी पे राजा जैसे विलासिता की जिंदगी जीते थे वैसे ही जी रहे थे. तो ये जो है राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर सुनिया सेन ने ये प्रोग्राम बनाया कि मांचू जो फॉरेन डायनेस्टी, मांचू को कहा जाता था कि ये हमारा मेनलैंड में नहीं है, मांचू इज अ फॉरेन डायनेस्टी, उसको हटाओ. एंड अदर फॉरेन इंपीरियलिस्ट जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये ब्रिटेन, इन सबों ने, मैंने दिखाया था ना चाकू से काट काट के चाइना का हिस्सा कर लिया था रशिया, तो उन सबको भगाने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया सुनिया सेन ने. डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों का शासन लोगों के लिए, इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सोशलिज्म लाने के लिए कटिबद्ध थे कि रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग. जो ये लैंड होल्डिंग की बात है गाइज, ये जमीन और पैसा कॉन्सेंट्रेट फोकस कर गया था एक ही तबके पास, के पास जो नोबिलिटी ग्रुप थी उनके ही पास ये लैंड सारा कॉन्सेंट्रेटेड था. तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो इक्वालिटी कभी नहीं आएगी. क्लियर है? तो इन्होंने क्या कहा कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल जो राजाओं के पास ही रह जा रहा है या जो एरिस्टोक्रेट फैमिली है जो एकदम ऊपर क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं उनके पास है, इन लोग चाह रहे थे कि इक्वली सभी में बांटा जाए, लैंड होल्डिंग भी और कैपिटल भी. क्लियर है? तीन ये प्रोग्राम पे सुनिया सेन का प्रिंसिपल और रिपब्लिक इन्होंने इसीलिए स्थापित की. अब देखेंगे कि उनके आगे अड़चने क्या क्या आती हैं. ऑन 4 May 1919 देयर वॉज एन एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड इन बीजिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस. इससे पहले आप लोगों के बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को 1912 से 1919 के बीच में क्या घटना घटी सुन लो. कि 1914 में ये च्यांग काईशेक करके जो इन लोगों का मिलिट्री रूलर था, ये सुनिया सेन जब रिपब्लिक बना चुका था तब की बात कह रही हूँ, 1914 में मिलिट्री जो सेनापति था उसने सुनिया सेन को, सुनिया सेन बड़े ही सीधे आदमी, इनको भगा दिया वहां से, कहा कि नहीं मैं रूल करूंगा, और खुद को उसने राजा घोषित कर दिया. ठीक है, तो बीच की घटना ये है जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि सुनिया सेन को भगा दिया गया चूंकि वो क्रांति आंदोलन और रिपब्लिक चाह रहे थे. लेकिन च्यांग काईशेक जो सेनापति, जैसे ऐसे मान लो कि परवेज मुशर्रफ है, ठीक है, वो मिलिट्री ये था, हेड था, उसने क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के खुद बन गया. सेम यहाँ पर भी यही घटना घटी कि सुनिया सेन को भगा दिया गया और च्यांग काईशेक जो है वो बन गया मिलिट्री रूलर, जो है वो बन गया शासक, और उसको कोई मतलब नहीं था रिपब्लिक से, वो मिलिट्री शासन एक तरह से लागू कर दिया उसने और धीरे धीरे चाइना में. और तब देखो 1919 का पीरियड समझ में आएगा तुम लोग को, नहीं तो बीच में कुछ दिया ही हुआ नहीं है. ठीक है, नाउ 1914 से 1918 तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. ठीक है, वर्ल्ड वॉर में चाइना ब्रिटिशर्स के साथ था. ठीक है, ब्रिटिश वहाँ पे, तुमको पता ही है कि ब्रिटिशर्स, मैंने पिछले लेसन में बता दिया है कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे चाइना में घुस चुके थे. तब तक अफीम युद्ध ये सब हो चुका था, बहुत सारा टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, तो यहाँ ब्रिटिशर्स के साथ था किस मामले में, कि अगर हम जीत गए तो चाइना को भी कुछ टेरिटरी मिल जाएगा. क्लियर है, और इसी भरोसे में चाइना ने साथ दिया. नाउ इसके बाद क्या हुआ कि विक्टोरिया साइड ब्रिटेन का देश, जैसे तुम लोग देखो चाइना वाज द अलाय ऑफ द विक्टोरियन साइड बट स्टिल वाज नॉट गिवन एनी टेरिटरी,
उसको कुछ भी नहीं मिला। जीतने के बाद ब्रिटेन ने अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन ने जब अंगूठा दिखा दिया तो ये जो आक्रोश जनता में, ये आक्रोश फैला और उसने क्या किया, बीजिंग में एक प्रोटेस्ट, बहुत भयानक पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस जो है इसके डिसीजन को लेके प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है। दिस प्रोटेस्ट लेटर बिकेम अ मूवमेंट, ये विद्रोह का स्वर धीरे धीरे मूवमेंट में बदल गया। मैम हाउ टू रिमेंबर डेट्स, ओके लिसन टू मैम टू, ओके ओके सब चीज बताऊंगी, थोड़ा सा लेट से बताऊंगी, पहले क्लास खत्म कर लो, ठीक है, क्लास खत्म कर लो, मैं सब बताऊंगी। अभी चैट मत करो गाइस, चैट करोगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगी, तुम लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चाइना का जो पार्ट है बहुत बड़ा है, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं कोई और पार्ट नहीं करने वाली हूँ, पार्ट टू में जितना होगा होगा, उसके बाद नहीं करूंगी, तो तुम लोग लूजर होगे, ठीक है। दिस प्रोटेस्ट लेटर बिकेम अ मूवमेंट, अ होल जनरेशन वॉन्टेड टू सेव चाइना थ्रू मॉडर्न साइंस डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। तब तक गाइस बहुत सारी जगहों पे, जैसे अमेरिका का हो चुका था उनका फर्स्ट वर्ल्ड, सॉरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, नीचे हम लोगों ने देखा रशिया में, सॉरी ईस्ट में रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो क्या है कि चाइना में भी जनरेशन छटपटा गया था, जो नया जनरेशन था मॉडर्न साइंस डेमोक्रेसी नेशनलिज्म की बात करने लगे थे उन लोग भी। तो रिवॉल्यूशनरीज वांटेड टू ड्राइव आउट द फॉरेनर्स हु वर कंट्रोलिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज, कंट्री के जो उसके जो माइनिंग, बहुत सारे गाइस स्टील आयरन एल्यूमिनियम से रिच है चाइना, तो ये सारे रिसोर्सेज का दोहन हो रहा था, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया था वैसे ही वहाँ भी हो रहा था। तो इन लोग एकदम चाह रहे थे कि फॉरेनर्स यहाँ से जाए, दे वॉन्टेड टू रिमूव इनइक्वालिटीज एंड रिड्यूस पॉवर्टी। रूरल एरिया में राजाओं ने कोई काम ही नहीं किया था इतने दिन के, जो ये 100 साल का जो ये तुम देख रहे हो इस समय, बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स आ गए, जो जहाँ पे मजबूत है पावरफुल है उसने अपना बना लिया टेरिटरी, क्लियर है। तो वॉरलॉर्ड्स का नाम आगे भी आएगा, ध्यान देना। तो ये क्या करने लगे, सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है गाइज इस सब में, सबसे नीचे का तबका पीजेंट्स फार्मर्स मर रहे थे, बिल्कुल फार्मर्स, ठीक है ना। उन लोगों से टैक्स वसूली से लेकर के उनको खाने पीने क्लोथ रोटी कपड़ा मकान तक मुहैया नहीं था, ठीक है। तो ये जो ये इनइक्वालिटीज सुन यात्सेन ने देखी थी, इसको वो कम करना चाहते थे और पॉवर्टी से हटाना चाहते थे चाइना को। दे वांटेड रिफॉर्म्स लाइक यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज इन राइटिंग। इन लोगों का क्या डिमांड था गाइस, तीन था, देखो तीन मैंने अलग अलग येलो कलर में लिखा है ताकि याद रहे। सिंपल लैंग्वेज इन राइटिंग फर्स्ट, सेकेंड है एबोलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ फुट बाइंडिंग। ये क्या था गाइस, बहुत ध्यान से सुनो, लड़कियों का पैर को लकड़ी के, उसको क्या कहते हैं, जूते जैसे बनाए जाते थे उससे कस के बांधा जाता था, क्लियर है, जिससे कि पैर छोटे रहे पैर बढ़े नहीं। उसका क्या कारण था, उन लोग नहीं चाहते थे कि विमेन कभी भाग सके, ठीक है, बंधक बनाकर एक तरह से घर में रखना, सिर्फ घर का काम करना, घर के लोगों की सेवा करना, यही इन लोगों का शुरू से, ये किंग डायनेस्टी के समय से चला आ रहा था जो प्रैक्टिस था, क्या कि लड़कियों का पैर हमेशा बांध के रखना ताकि वो बड़ा नहीं हो, हड्डी मजबूत नहीं हो, वो भाग ना सके, क्लियर है। सो ये प्रैक्टिस बंद करना, सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन को भी एक तरह से, विमेन को सबऑर्डिनेट बनाना, अपने सहचारी बनाना, उनको भी इक्वल राइट के लिए प्रेरित करना। अदर रिफॉर्म्स वेर इक्वालिटी इन मैरिज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो दूसरा रिफॉर्म क्या था, मैरिज में इक्वालिटी, जैसे लड़का को जो अधिकार है लड़की को भी मिलना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंड पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए प्रयासरत थे। अब देखो इसी पार्टी को, द नेशनल पीपल्स पार्टी जो था, गुमिनटोंग बोलते हैं, और अगर चाइनीज एक्सेंट में बोलो तो कुमिनटोंग बोलते हैं, ठीक है, कुमिनटोंग लेकिन हम लोग इसको कहेंगे गुमिनटोंग, ठीक है, गुमिनटोंग एंड द सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज एज मेजर फोर्सेस स्ट्राइविंग टू यूनाइट द कंट्री एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। अब दो तरह की पार्टी आती है, एक है नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि रिपब्लिक बनाना चाहती है, और सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि बिल्कुल सोशलिस्ट कम्युनिज्म जैसे कि रशिया में था वैसा चाइना को बनाना चाहता था। तो ये दो पार्टी धीरे धीरे उभर के आते हैं।
मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है ना? योर वीडियो इज कवरिंग पीपीटी, कैन इट बी सॉल्व? ओहो सॉरी, हाँ, ठीक है मुफद्दल, मैं अगले बार से कोशिश करूंगी इस तरह से। ये स्लाइड ठीक है ना? वट इज द रिजल्ट ऑफ चाइनीज सिविल वॉर? ओके, मैं अगली बार कोशिश करती हूँ सारा इसी ढंग से बनाने के लिए, ठीक है? तो सुनिया सेन्स आइडियाज बिकेम द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कुमिंतोंग, कुमिंतोंग या गुमिंदंग, ठीक है? सुनिया सेन का आइडिया ही एक्चुअली पॉलिटिकल फिलोसफी बना नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। एंड क्लोदिंग फूड हाउसिंग, जो हम लोग कहते हैं गाइस, रोटी कपड़ा मकान सभी जगह चाहिए है, और इन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन क्यों जोड़ा? फोर ग्रेट नीड्स में ट्रांसपोर्टेशन जोड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था? कि राजाओं के समय रोड डेवलप ही नहीं किए गए, तो डेवलपमेंट का काम कहाँ से होगा गाइस? हम लोग अभी देखते हैं हमारे यहाँ पे, जब से नॉट ओनली बीजेपी गवर्नमेंट, हम लोग ये पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि ये 20 सालों में पूरे इंडिया में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम से पूरे इंडिया में रोडों का जाल बिछाया गया है ना, रास्तों का, चौड़े रोड चौड़ीकरण किया गया, ब्रिज बना। क्यों किया जाता है गाइस? क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा, अगर हम गांव तक पहुंच नहीं पाएंगे विकास कैसे पहुंचेगा? क्लियर है? विकास क्या पैदल जाएगा? नहीं जाएगा ना, उसके लिए रोड चाहिए। नाउ यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के साथ इन्होंने कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ा, कि ये चार हमारा ग्रेट नीड है, ठीक है? नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ सून, चियांग काईशेक इमर्ज एज द लीडर ऑफ द कुमिंतांग। मैंने बताया कि वो अब लीडर बन गया, मिलिट्री रूलर था। मिलिट्री कैंपेन वॉज लॉन्च बाई हिम टू कंट्रोल वॉर लॉर्ड्स। अब उसकी लड़ाई सबसे ज्यादा किसके साथ होने वाली थी? वॉरलॉर्ड्स के साथ और कम्युनिस्ट, ये दो उसके दुश्मन, क्योंकि वॉरलॉर्ड्स को तो खत्म करना जरूरी था, जो कि अलग अलग प्रोविंसेस में जिसको जहां मिल रहा था वो वहीं पे रूल कर रहा था, और एकदम जंगल राज जैसा सिचुएशन हो गया था। रीजनल लीडर्स हु हैड अनसर्व्ड, ठीक है, रीजनल लीडर्स हु हैड अनसर्व्ड अथॉरिटी एंड टू इलिमिनेट द कम्युनिस्ट, ठीक है ना? उन लोगों को क्या था मिलिट्री कैंपेन में? बस वॉरलॉर्ड लॉर्ड्स को हटाना है और कम्युनिस्ट को इलिमिनेट करना है। ही इनकरेज, सुनिया सेन ने क्या कहा है देखो, फोर वर्च्यूज वेमेन के लिए फिक्स किया है गाइज। यहाँ पे ही के जगह होना चाहिए था सुनिया सेन, सॉरी मिलिट्री कैंपेन, हाँ ठीक है। चियांग काई शेक ने क्या कहा कि चार वर्चू, लड़कियों को क्या करना होगा? चार वर्चू का पालन करना होगा। चेस्टिटी मतलब प्योरिटी अपनी बनाए रखनी होगी, अपियरेंस अपने आप को सुंदर बनाए रखना होगा, स्पीच एंड वर्क बहुत अच्छे से बात करना होगा और काम करते रहना होगा, ठीक है? चाहे आपको गाली भी हम दे तो आप अच्छे से बात करना, ये औरतों के लिए फिक्स किया गया। रिकग्नाइज दियर रोल एज कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड, औरतों को क्या कहा गया कि आप बस आराम से घर का काम करो, घर में रहो और घर के सारे काम, और चुपचाप काम करो, ठीक है, पीस मेंटेन करो, हम लोग कुछ भी बोले आपको सुनना है, क्लियर है? तो ये था मिलिट्री रूलर का ये वर्च्यू औरतों के लिए। ही इवन प्रिस्क्राइब द लेंथ ऑफ हेमलाइन, हेमलाइन का मतलब क्या है गाइस? स्कर्ट कितना ऊंचा होगा कितना नीचे होगा ये भी तय किया इसने, ठीक है? द गुमिंतोंग हैड देयर सोशल बेस इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ही ये बसे हुए थे गाइज, रूरल एरिया इनको पता ही नहीं था खुद भी कि इनके गांव में क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसको कोई उसको क्या कहते हैं कि कोई आइडिया ही नहीं कि उनका गांव किस तरह का विकास चाहता है, क्या चाहता है, गांव की स्थिति क्या है, इनको कुछ भी पता नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रहे थे बड़े ही स्लो एंड लिमिटेड, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। शंघाई जो था ये मॉडर्न ग्रोथ का सेंटर बन गया था। इट सॉ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अपीयरेंस, धीरे धीरे 1919 आते आते 5 लाख वर्कर हो जाते हैं, धीरे धीरे होता है, मॉडर्न जैसे जो ग्रोथ का स्केल होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। नाउ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ देम वेर एम्प्लॉयड इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग एक सबसे बड़ा उस समय, हाँ इसमें भी छुप जा रहा है ना गाइज, सॉरी गाइज, ये तो मैं बनाने समय मुझे ध्यान रखना होगा, आई एम सॉरी, ठीक है? लेकिन ये देखो फर्स्ट लाइन सिर्फ जा रहा है,
फर्स्ट लाइन मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक शिप बिल्डिंग है, थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट लाइन सिर्फ गया है, बाकी सारा लाइन करेक्ट है, ठीक है। सो मोस्ट वेयर पेटी अर्बनाइट्स, तो गाइज उस समय शिप बिल्डिंग का काम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता था, जापान में देखना कि शिप बिल्डिंग ही मेन इंडस्ट्री था, ठीक है ना। उसी तरह से शिप बिल्डिंग क्यों, क्योंकि उस समय सारा ट्रांसपोर्टेशन शिप से हो रहा था। मैम आई हैव गिवन द आंसर ऑफ रिजल्ट ऑफ चाइनीज सिविल वॉर, इफ यू वांट टू सी स्क्रोल, ये क्या है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे क्या तंग तंग करने नहीं आते हो ना बच्चों, पढ़ने आते हो ना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा आंसर का तो मुझे ज़रूरत नहीं है, है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शिप बिल्डिंग सबसे मेन इंडस्ट्रीज हो जाता है, और सबसे मेन इंडस्ट्रीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और जो भी कमर्शियल, जो जिस तरह बिजनेस होना या कहीं पे कहीं कहीं पे जाना है आना है, कोई भी इंडस्ट्रीज में भी गाइस रॉ मटेरियल लाना है, फिनिश प्रोडक्ट भेजना है, ये सारा चीज़ कैसे होगा, शिप से होगा। तो शिप बिल्डिंग मेन बिजनेस, मेन इंडस्ट्रीज था, ठीक है। तो मोस्ट वेयर पेटी अर्बनाइट्स, ट्रेडर्स एंड शिप शॉपकीपर्स, जैसे पेटी अर्बनाइट्स मतलब छोटे छोटे अर्बनाइट्स थे, अर्बन वर्कर्स एंड स्पेशली वीमेन अर्न लो वेजेस, और बहुत कम सैलरी ये अर्न कर पाते थे। वर्क कंडीशंस जो था बहुत खराब रखा हुआ था, और वर्किंग आवर्स लंबे लंबे समय तक काम करना और वेजेस कम देना, सैलरी कम देना, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग इंडिविजुअलिज्म वीमेंस राइट्स कंसर्न ग्रू, ठीक है। तो धीरे धीरे वीमेन राइट का इशू जो है ये धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, क्योंकि वेजेस कम मिल रहे हैं, आवर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं इन लोग। सोशल एंड कल्चरल चेंज वॉज ब्रॉट अबाउट बाई स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, जैसे पेकिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। जर्नलिज्म ग्रू, और इसी समय जर्नलिज्म का ग्रोथ हुआ। और गाइस जर्नलिज्म आने से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि चारों तरफ जो लोगों में ये जागरण फैलाना, अवेयरनेस आना, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे महात्मा गांधी का यहाँ इंडिया में तब तक चल चुका था, इतने जो सत्याग्रह कर रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, जो मूवमेंट चल रहा था, अब इन लोग सीख रहे थे। पॉपुलर लाइफ वीकली आ गया था, ज़ाओ ताओफेन, ज़ाओ ताओफेन ने तो तहलका मचा दिया पूरे चाइना में। उसने क्या किया, एक तरह से रीडर्स को इंट्रोड्यूस किया महात्मा गांधी के विचारों से, और केमाल अतातुर्क। अब केमाल अतातुर्क थे टर्किश लीडर गाइस, और तुर्की में उन्होंने ओटोमन एम्पायर को एक तरह से ख़त्म करके रिपब्लिक लाने की कोशिश की, क्या स्थापना की भी। तो केमाल अतातुर्क जो थे वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट और मॉडर्निस्ट टर्किश लीडर, तो उनके विचारों से भी लोग अवगत हुए। अब तो चाइना को आगे ले ही जाना है, अब जा कर के इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को चाइना को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो इट सेल्स इंक्रीज फ्रॉम जस्ट, देखो 2000 कॉपी बिका 1926 में गाइज, और 1933 में 200,000 कॉपी बिका, क्लियर है। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, आप देख सकते हो कि इनके विचारों को, महात्मा गांधी, केमल अतातुर्क, इन लोगों को सुनने पढ़ने के लिए लोग जमा हो गए, और 200,000 कॉपीज 8 साल के अंदर, है ना, 6, 4, 3, 7 साल के अंदर 2000 से 200,000 कॉपीज बिकना शुरू हो जाता है। नाउ द क्यूमिंतंग कंट्री यूनाइटिंग अटेम्प्ट्स फेल बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल सोशल बेस। एक मिनट, ओके, मैंने पूर्वी को ब्लॉक कर दिया इसलिए कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। नाउ राजेंद्र कह रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेंद्र। तो अब हम लोग देखते हैं कि इट गेव रीडर्स न्यू आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड, ये मैंने बताया, क्यूमिंतंग कंट्री यूनाइटिंग अटेम्प्ट्स फेल्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल सोशल बेस एंड लिमिटेड पॉलिटिकल विजन। गाइज राजनीतिक दूरदर्शिता थी ही नहीं, बड़े ही छोटे जगह पे ये कॉन्सेंट्रेट कर गया था, स्मॉल सोशल बेस था, ठीक है ना, तो और लिमिटेड पॉलिटिकल विजन। तो मेजर पार्ट ऑफ सुनिया सेन प्रोग्राम रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड, हमने देखा था, उन्होंने कहा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैपिटल को रेगुलेट करेंगे ताकि सबके पास पैसे आए और सब लोग आराम से रह सके, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, सिर्फ पेपर में रह गया, ठीक है। मैं नहीं, मिस आदर्श, ओके आदर्श, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो द क्यूमिंतंग कंट्री यूनाइटेड, सॉरी ये हो गया, अ मेजर पार्ट ऑफ सुनिया सेन का प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया गाइस, ठीक है। इट लुक्ड टू इन्फोर्स मिलिट्री रूल रादर देन एक्नॉलेज पीपल्स प्रॉब्लम्स।
तो पीपल के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना और सिर्फ क्या करना, सिर्फ मिलिट्री रूलर के द्वारा किस तरह से ओके नाउ सुनियत सेन डाइड ऑफ कैंसर इन बीजिंग इन मार्च 1925, जब इनको भगा दिया गया। और क्या जो काइशिक था ये भी मर गया 1918-19 में, वो मर गया। और फिर वापस सुनियत सेन आते हैं वापस गाइस, लेकिन आ करके भी कुछ कर नहीं पाते। तब तक कम्युनिस्ट पार्टी भी सर उठाने लगती है और धीरे धीरे ये पार्टियों में बहुत सारा डिस्प्यूट हो जाता है और इसी बीच सुनियत सेन का डेथ हो जाता है। As the nationalist movement he had helped to initiate was gaining momentum. Now, summer of 1925, Chiang, अब नया जो आया है Chiang, as commander in chief of the National Revolutionary Army, set out on the long delayed northern expedition. अब ये warlord पे आक्रमण करने निकलता है guys. आक्रमण करता है, विद इन 9 months हाफ ऑफ चाइना हैड बीन कॉन्कर्ड, आधा चाइना को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। 1926 में क्यूमिनतंग जो पार्टी थी ये डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट विंग, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक लेफ्ट और एक राइट विंग में बढ़ गया और कम्युनिस्ट ब्लॉक विद इन इट वॉज ऑल्सो ग्रोइंग। ठीक है, अब चूंकि सुनियत सेन सबको मिला के चल रहे थे, सुनियत सेन के बाद कोई मिला के चलने वाला नहीं है, सब बिखर गया ना। CCP was founded in 1921 with the help of the Far Eastern Bureau of Russian Communist Party. ये जो Chinese Communist Party है, ये Bolshevik Party जो हम लोगों ने देखा कि रशिया में जो आता है, ठीक है, ओके, ठीक है, मुफद्दल है यहाँ पे मुस्तैदी से, कम ऑन मुफद्दल, थैंक यू सो मच मुफद्दल, आई एम सो थैंकफुल टू यू, सो ग्रेटफुल टू यू। नाउ CCP was founded in 1921 में guys, और ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो कि सोवियत रशिया में हम लोगों ने देखा जार को ख़त्म करके बोल्शेविक क्रांति जो होती है, तो इन्होंने ही चाइना को मदद किया कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश करने में। द पार्टी ग्रू क्विकली एंड बाई 1949 इट हैड ड्रिवन द कुमिनतांग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू ताइवान, भगा दिया जाता है। लेकिन छोटा सा गाइस, तुम लोग कोई बुक में नहीं है लेकिन तुम लोग जान लो कि माओ जिदोंग जो है, माओ को सब लोग जानते हो, माओवादी सब लोग बोलता है, माओवादी संस्था ये सब बात होती है ना, तो माओ जिदोंग जो था गाइस, ये कम्युनिस्ट पार्टी का 1928-29 से उसने लीड किया, सॉरी, और क्यूमिनतंग ने एकदम, क्यूमिनतंग पार्टी ने ये कर दिया था कि शूट एट साइट, माने कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का दिखाई दे उसको मार दो। तो इन लोग भाग करके गाइस, थोड़ा सा ध्यान दो, नॉर्दर्न पहाड़ियों पे 6 साल इन लोगों ने गुजारा। जैसे शिवाजी पहाड़ी युद्ध करते थे ना, पहाड़ पे छुपे रहते थे, औरंगजेब पे हमला करते थे पहाड़ों से, ठीक उसी तरह से माओ जिदोंग जो है, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, प्लीज इसको जानिए, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे कि माओ किस तरह की लड़ाई के बाद चाइना में आया था। तो माओ जो था वो लड़ते रहा और तब 1949 में, अच्छा और एक बात इंटरेस्टिंग बात जानो कि ये जो था चियांग, इसको कोई मतलब नहीं था चाइनीज पीपल से। ये क्या कर रहा था, जहां जहां जा रहा था गाइज माओ को ढूंढने, तो गांव में आग लगा देता था, तो माओ तो बच जाता था, वो तो पहाड़ों में रह रहा था, पूरा का पूरा गांव के लोग मर जा रहे थे। ठीक है, तो लोगों को लगा कि ये कैसा पार्टी है, ये अपने ही लोगों को मार दे रहा है, कुओं में जहर मिला देता था, तालाब में जहर मिला देता था कि माओ मर जाए। तो माओ तो नहीं मरा, लेकिन वहाँ के लोग जो चाइनीज रूरल पीपल थे गाइस, वो मर रहे थे। तो इसीलिए क्या अंदर अंदर असंतोष बढ़ गया कि ये हमारा रूलर है, हमारा हमारे ऊपर शासन करता है और हमें ही कुछ नहीं समझता है, क्लियर है। तो ये बीच का ईयर जो पूरा खा गया है तुम्हारे बुक में कुछ नहीं है, 1925 टू 49 के बीच में ये सारी घटनाएं हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों में असंतोष हो रहा था, किसान मारे जा रहे थे, गांव के गांव जलाए जा रहे थे, कुओं में जहर मिलाए जा रहे थे, एग्रीकल्चर नष्ट किया जा रहा था, फसल का फसल नष्ट किया जा रहा था, क्यों, ताकि माओ के लोग नहीं खा सके। तो माओ के साथ साथ तो बाकी लोग भी चले जा रहे हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसाना, वही बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जानना तुम लोगों के लिए जरूरी था। नाउ हम लोग बुक के ओर चलेंगे कि इन्होंने क्या किया 1949 में, क्यूमिनतंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को एकदम मेनलैंड चाइना से भगाकर
ताइवान में फिक्स कर दिया गया, ताइवान भगा दिया गया। नाउ आफ्टर द चाइनीज सिविल वॉर, ये अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा था गाइज, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी और क्यूमिनतंग में, ठीक है, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन 1st October को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज चाइना है, इसका गठन कब हुआ, 1949 में। इस समय तक ब्रिटिशर्स भी जा चुके थे और एक तरह से इनको भी इंडिपेंडेंस मिल जाता है। इट कंट्रोल्स द कंट्रीज आर्म फोर्सेज, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि establishing the new democracy 1949 to 1965 क्या घटना घटती है। तो 1949 में People Republic of China government was established, ठीक है, it was based on the principle of the new democracy। ये किस principle पे बसी हुई थी, new democracy, नया प्रजातंत्र। So it was alliance of all social classes, unlike the dictatorship of the proletariat। तो ये जो जोसेफ गाइज, ये रिवोल्यूशनरी एक क्रांतिकारी विचारों वाले नेता जोसेफ वेडिमियर, ये सोवियत के थे, इन्होंने क्या किया था, ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट का मतलब है कि जो एरिस्टोक्रेट के पास, जो जिनके पास पावर है, कहने का मतलब पावरफुल जो है, डिक्टेटरशिप उनका चल रहा है, सारा पावर कॉन्सेंट्रेट कर गया है। तो ये टर्म कार्ल मार्क्स ने भी यूज किया। मार्क्सिज्म क्या कहता है गाइस, मार्क्सिज्म कहता है सोशलिस्ट कंट्री होना चाहिए, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, जहाँ पे सभी के पास समान रूप का जमीन हो, समान रूप से उनके पास पैसे हो, कोई भी अमीर नहीं हो, कोई भी गरीब नहीं हो, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो इसने स्ट्रेस किया कि वर्किंग क्लास वुड रिप्लेस द रिप्रेसिव गवर्नमेंट, जो वर्किंग क्लास है, जो काम कर रहा है, वही सबसे ज्यादा क्यों रिप्रेसिव है, क्लियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही रिप्रेसिव होता है। रिप्रेसिव का मतलब है दबा कुचला हुआ, तो जो काम कर रहे हैं उन्हीं से आप टैक्स वसूल कर रहे हो, उन्हीं को सता रहे हो, वही सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है, तो वही अब बनेगा शासक, क्लियर है। तो वो बनेगा शासक, गवर्नमेंट उसी की होगी, एंड प्रॉपर्टी क्लास विद अ रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इनको हटाया जाए, ठीक है। इकोनॉमी जो है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आ गया, जैसे रशिया में है, आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी कंट्रोल करता है गवर्नमेंट वहाँ पे, प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वेयर अबोलिश्ड, टोटली बंद कर दिया गया, आप अब जमीन नहीं खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हो। ये आया नया तरह का डेमोक्रेसी, इन लोगों ने कहा इसको डेमोक्रेसी, बट इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी एट ऑल, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। नाउ इन 1958 आ गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, जो कि माओ ज़ेडोंग ने शुरू किया। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, चूंकि 1949 टू 58 के बीच चाइना अनरेस्ट रहा गाइस, नहीं इंप्लीमेंट किया जा सका, पेपर पे कुछ लिखा जा रहा था लेकिन वो इंप्लीमेंट करना मुश्किल था, ठीक है, लोगों में उतनी ही असंतुष्टि थी, फार्मर्स उसी तरह प्रताड़ित थे, कहीं पर भी कोई इक्वालिटी दिखाई नहीं दे रही थी। तब जाकर 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च किया जाता है माओ ज़ेडोंग द्वारा, जो कहता है विच वाज अ पॉलिसी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। तो जो इंडस्ट्रीज है उनको और स्पीड अप करने के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज क्या क्या था मैंने बताया, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, जो वहाँ पे जो मिनरल्स मिलते थे, जितना ऑयल उन लोगों के यहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलने लगे थे, जैसे ऑयल डिपॉजिट मिलने लगा था, कोल का वहाँ पे था कोल, और इंडस्ट्री जैसे सिल्क इंडस्ट्री, अपैरल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने का सिल्क का इनका बहुत अच्छा, पोर्सिलेन का, तो ये सब का डिमांड था वेस्ट में। तो इस वजह से उस इंडस्ट्रीज को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये लाया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, जो कि हम लोग देखेंगे बुरी तरह से फेल हो जाता है आगे जा करके। तो इसमें क्या करना रहता था, पीपल वेर इनकरेज टू सेट अप स्टील फर्नेसेस इन देयर बैकयार्ड, अपने अपने घर के पीछे में जो भी छोटा सा जगह है ना, उसमें आप क्या करो, उसमें स्टील फर्नेसेस, स्टील बनाना शुरू करो सब कोई, ठीक है, ये एक नियम बना दिया कि हर व्यक्ति अपने घर में पीछे में आंगन में अपना स्टील बनाएगा।
पीपल्स कम्यून्स वॉज स्टार्टेड इन रूरल एरिया, रूरल एरियाज में पीपल का कम्यून शुरू हो गया. इट मीन दैट द लैंड वुड बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड कल्टिवेटेड. तो कलेक्टिवली लैंड दिया जाने लगा कि ये 10 लोगों के लिए ये लैंड है, यहाँ कल्टिवेट करो, एग्रीकल्चर लाओ. ठीक है, इट मीन दैट द लैंड वुड बी. उस समय गाइज एक और बात थी, स्टील की कमी भी हो गई थी, इसी वजह से ये कहा गया था कि आप लोग हर घर में बनाइए स्टील को. ठीक है, ये महात्मा गांधी के कुटीर उद्योग से भी संबंधित है, थोड़ा बहुत प्रभावित है कि हर किसी को खादी बनाने का जैसे कहा गया था, उसी तरह से इसने भी लाया कि हर घर स्टील बनाएगा. ठीक है, इट मीन दैट द लैंड वुड बी कलेक्टिवली ओन एंड कल्टिवेटेड. मैंने बताया 1958 तक देयर वेयर 26,000 कम्यून्स कवरिंग 98% ऑफ द फार्म पॉपुलेशन. तो 26,000 कम्युनिटी उस तरह के हो गए जो 98% फार्म पॉपुलेशन के बनाते थे. माओ सक्सीडेड इन असेंबलिंग द कॉमन पीपल टू अटेन द गोल सेट बाय द पार्टी. पार्टी ने जो गोल सेट किए थे, माओ एक तरह से सक्सीड उसमें सफल होता है सभी कॉमन पीपल को एकजुट करने में. ठीक है, माओ वॉन्टेड टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन. अब ये सोशलिस्ट मैन क्या था गाइज, ये था कम्युनिस्ट लोगों की सोच थी कि सोशलिस्ट मैन का मतलब है जो इक्वालिटी लाएगा, जो बिल्कुल सोशल एक तरह से रिवॉल्यूशन लेकर के आएगा. वो उसका भी, माओ का भी यही, माओ ने भी यही क्रिएट किया कि सोशलिस्ट मैन हु वुड हैव 5 लव्स. 5 उसके प्रेम होंगे, क्या क्या, फादरलैंड, जैसे हम लोग मदरलैंड बोलते हैं वो फादरलैंड बोलता है, पीपल जो लोगों को प्यार करेगा, लेबर जो वर्कर क्लास को प्यार करेगा, वर्कर क्लास के लिए काम करेगा, एक्चुअली ये मतलब हुआ, और साइंस को बढ़ावा देगा एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को रक्षा करेगा, पब्लिक को प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. कॉमन मैन, वी आर हेयर एंड एनर्जेटिक. ओके, रक्षित कह रहा है यू आर टीचिंग वेरी वेल. थैंक यू सो मच रक्षित, तुम कब आए. हाय विशाल, हाय रक्षित, जो नए नए आए हैं, वी डोंट वॉन्ट डिस्टर्बेंस. करेक्ट करेक्ट. कॉमन मैम, वी आर हेयर एंड एनर्जेटिक. ओके ओके, थैंक यू सो मच मुफद्दल, बहुत बड़े सपोर्ट बन के तुम आ जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरे हर क्लास में आना. सो क्योंकि जब बताते रहती हूँ ना, तब डिस्टर्बेंस होने से मुश्किल होता है. ठीक है, आगे से मैं कोशिश करूंगी कि ये जो एक साइड में लेकर के आऊँ नोट्स को, है ना, तो आप लोगों को ये छुप जा रहा है जो मुश्किल हो रहा है, कोई इशू नहीं. जब मैं बोल रही हूँ ना, तब तुम लोग लिख सकते हो ऊपर का दो लाइन को. ठीक है, एक ही लाइन छुपता है, फर्स्ट लाइन छुपता है एक्चुअली. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओस कॉन्सेप्ट. अब हम लोग 65 to 78, ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद अब आ गया था. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओस कॉन्सेप्ट अ सोशलिस्ट मैन एंड दोज हु रिजेक्टेड हिज एम्फसाइज ऑन आइडियोलॉजी रादर देन एक्सपर्टीज स्टार्टेड. अब इनका सोशलिस्ट मैन का कॉन्सेप्ट को एक तरह से बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था गाइज. रिजेक्ट करने का कारण था कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ पेपर पे दिख रहा था. ठीक है, नाउ 1965 में माओ ने क्या किया, लॉन्च किया ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन अगेंस्ट हिज क्रिटिक्स. अपने क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए उसने एक नया रिवॉल्यूशन, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू किया. तो इसमें क्या करना था, सारे एरिस्टोक्रेट को ख़त्म करने के लिए. ठीक है, वो कल्चर ही एक तरह से ख़त्म करने के लिए. सो रेड गार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड द आर्मी वॉज यूज अगेंस्ट ओल्ड कल्चर. इन्होंने स्टूडेंट्स को ही रेड गार्ड बना दिया. ठीक है, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स को कहा रिवाइव करने के लिए. गाँव में स्टूडेंट्स को भेजा जाने लगा, प्रोफेशनल्स को, ताकि वो कॉमन लोगों से सीख सके पुराने कल्चर को, ऑर्थोडॉक्स कल्चर को. आइडियोलॉजी ऑफ बींग कम्युनिस्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज. तो ये मॉडर्निटी से और दूर करने के लिए, क्लियर है गाइज. जैसे जैसे समय की मांग क्या होती है, मॉडर्नाइजेशन को आपको अपनाना है ना. इन्होंने क्या किया कि फिर से पीछे भेज दिया, 10 साल पीछे स्टूडेंट्स को भेज दिया कि जाओ जा करके कॉमन लोगों से पढ़ो और सीखो. आइडियोलॉजी ऑफ बींग कम्युनिस्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए सिर्फ कम्युनिज्म ही मोर इम्पॉर्टेंट हो गया. मैम, व्हेन विल यू मेक अ वीडियो फॉर क्लास 12 ज्योग्राफी. ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग. पॉल साइंस तो मैं पढ़ाती हूँ रक्षित, पॉल साइंस का मेरा क्लास है. ANJALEELIVE टाइप करो यूट्यूब पे, तुमको क्लासेस मेरे दिखेंगे. ठीक है, रिया को मैंने बताया, रिया मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाती. चल,
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, ये रेड आर्मी रेड गार्ड जो बनाता है, उसके बाद रैशनल डिबेटेड वॉज रिप्लेस्ड बाई एक्यूसेशंस एंड स्लोगन्स। धीरे धीरे उस पर बहुत सारे रैशनल जो डिबेट होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक्यूसेशन। माओ पर बहुत सारे एलिगेशन लगने लगे, स्लोगनबाजी वो तो होगा ही कि अब ये नहीं चलेगा। जैसे बंगाल में हर वक्त ना वो लाल झंडा लेके लोग निकलते थे कि चुल बेना। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बंगला में ये सुनाती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन कलकत्ता में बीता है, तो मैंने देखा था कि ऑल द टाइम वो कम्युनिस्ट पार्टी है ना लाल झंडा लेकर निकल जाता था कि नहीं चलेगा, हमारा मानना होगा, ऐसा बोलते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग देखते कि स्लोगन रेज होना और एक्यूसेशन शुरू हो जाता है। अब कल्चरल रिवोल्यूशन वीकन द पार्टी एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द इकोनॉमी एंड एजुकेशनल सिस्टम। नेचुरली अब ये कल्चर का रिवोल्यूशन है, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पे भी उस पर भार पड़ा और एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हो गया। जो एजुकेशन का मॉडर्निटी, जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। नाउ इन 1975 द पार्टी स्टार्टेड एम्फसाइजिंग ऑन सोशल डिसिप्लिन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब 75 में थोड़ा सा इनको समझ आता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं चल रहा है कि गांव में जाकर के सीखो, तो इन्होंने थोड़ा सा सोशल डिसिप्लिन पे काम किया कि समाज को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन में लाया जाए और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तो रेवेन्यू आएगा गाइज, रेवेन्यू आएगा तो चाइना में विकास होगा, ऐसा सोच करके ये नया चेंज लाया गया। रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978 शुरू होता है। 1978 में माओ ज़ेडोंग के बाद गाइज, माओ ज़ेडोंग के जाने के बाद आते हैं डेंग ज़ियोपिंग। तो डेंग ज़ियोपिंग एक तरह से पूरे कंट्रोल में ले लेता है चाइना के इकोनॉमी को, कोशिश करता है एक नए तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करने का। सो ही इंट्रोड्यूस्ड अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, ये इसने लेकर ये लेकर के आते हैं एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, जो कि सॉरी माओ ज़ेडोंग उसमें फेल हो जाते हैं। इन 1978 द पार्टी डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज द फोर मॉडर्नाइजेशन। ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की ओर पार्टी को ले जाने की कोशिश करते हैं डेंग ज़ियोपिंग। ये कहा जाता है कि आज जो चाइना मॉडर्न दिख रहा है ये इनकी ही देन है, डेंग ज़ियोपिंग की, ठीक है। तो इन्होंने चार मॉडर्नाइजेशन का स्टेप लिया, क्या क्या, टू डेवलप साइंस ऑफ कोर्स ये जरूरी है, इंडस्ट्री को लाना, एग्रीकल्चर को लाना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, कृषि अगर नहीं बढ़ेगा तो नहीं कर पाएंगे, वो विकास नहीं होगा, और डिफेंस, अपना डिफेंस को मजबूत करना, ठीक है। तो चाइना ने शुरू से ही गाइस आर्मामेंट, वेपन जमा करना, वेपन बनाना, ये सब चाइना शुरू से ही करता है, तो ये डिफेंस पे अब ज़्यादा ध्यान देने लगा। नाउ 5 दिसंबर 1978 में एक वॉल पोस्टर आता है, फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन अनाउंस दैट मॉडर्नाइजेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट डेमोक्रेसी, ठीक है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होता है 5 दिसंबर 1978, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये स्टूडेंट्स ने कहा कि ये चार मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अभाव में हमें ये नहीं मिलेगा, सही से हमारा विकास नहीं होगा। इट क्रिटिसाइज CCP, इन्होंने पहली बार कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ स्लोगन रेज किया CCP फॉर नॉट सॉल्विंग इश्यूज ऑफ पॉवर्टी। चाइना में पॉवर्टी दूर हुआ ही नहीं, जो रूरल एरिया में जो फार्मर्स की परेशानियां थी वो एज इट इज़ थे, विमेन का पोजीशन उसी तरह से था, और नॉट सॉल्विंग इश्यूज ऑफ पॉवर्टी और एंडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। मैंने कहा स्टूडेंट, जो विमेन स्टूडेंट थी उन लोगों ने भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का तोहमत लगाया, एक तरह से आरोप लगाया कि ये भी दूर नहीं कर पाया ये सरकार। इन 1989 मेनी इंटेलेक्चुअल्स कॉल्ड फॉर अ ग्रेटर ओपननेस एंड एन एड टू ऑसिफाइड डॉगमास। कहा जाता है कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था द फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन, इसको बुरी तरह से कुचल दिया गया, ठीक है। ये डेंग ज़ियोपिंग ने यहाँ पर बुरी तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ से उनको कहा जाता है कि ज़बरदस्ती लाठी चार्ज किया इन पर और इनको भगाया गया। तो स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स एट टाइनमेन स्क्वायर इन बीजिंग वेयर ब्रूटली सप्रेस्ड। और इसको बहुत ही इतिहास में ये जाना जाता है टाइनमेन स्क्वायर के रूप में, ब्रूटली जिस तरह से लोगों पर, स्टूडेंट्स पे गोली भी चली, एक स्टूडेंट मारा भी जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक यहाँ पे अनरेस्ट का माहौल रहता है, ठीक है।
तो मैं सोचती हूँ कि यहीं तक क्लास हो पाएगा क्या? नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 5 मिनट है गाइस, चलो ये पढ़ ले। हाय आयु, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नीतू कह रही है गुड इवनिंग। कितने बजे से क्लास स्टार्ट है? 7:30 बजे से चल रहा है। गेमिंग ओनली टीचर्स पॉल साइंस एंड हिस्ट्री एंड द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन एन अकेडमी ह्यूमैनिटीज प्ले लिस्ट। करेक्ट करेक्ट मुफद्दल, थैंक यू सो मच। सो द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ये भी 5 मिनट है गाइस, देख लो। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ डिबेट्स ऑन वे टू डेवलप चाइना। तो टाइनामेन स्क्वायर का ये जो इस एपिसोड है गाइस, इतिहास में बहुत नाम है इसका, आप लोग भी जानोगे कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट का एक्चुअली क्या कहते हैं, हत्या करके उसको फेंक दिया गया था। इस वजह से इस बहुत ही अनरेस्ट का माहौल था, ठीक है। The dominant view supported by the party was based on a strong political control, economic liberalization and integration into the world market. ठीक है, तो world market में integrate करना, economy को liberate करना, कहने का मतलब open door policy लाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, ऐसा dominant view आया। It was debated that increasing inequalities between social groups, जो inequality social groups में था वो धीरे धीरे और बढ़ ही रहा था घटने के बजाय, between regions, between men and women were creating social tension. तो gender bias भी था, लोग social group में भी बहुत सारा inequality and men and women के बीच गहरा एक खाई बनता जा रहा था। तन्वी कह रही कल भी, कल नहीं परसों होगी तन्वी, 18th को इसी टाइम में 7:30 बजे कोरिया का होगा, ठीक है गाइस, कोरिया भी सुनने के लिए आना है। इसके बाद थर्ड पार्ट है कोरिया, ठीक है। जापान मैंने पहले कर दिया है, चाइना अभी हो रहा है, कोरिया और ताइवान मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। सो देयर वाज आल्सो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म। ये मैंने पिछले क्लास में बताया कि कन्फ्यूशियनिज्म क्या था। जो कन्फ्यूशियस थे, चाइनीज फिलोसोफर थे, बहुत पुराने एंशियंट पीरियड में, जिन्होंने कि शासन व्यवस्था पे बात की है कि कैसे शासक होना चाहिए, कैसा प्रजा होना चाहिए, उस पे बात की थी। तो वो ट्रेडिशनल आइडिया फिर से रिवाइव होता है। इट वॉज सेड दैट चाइना कैन बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी फॉलोइंग इट्स ओन ट्रेडिशंस। तो कहा गया कि चाइना बनेगा मॉडर्न, लेकिन अपने ही ओल्ड ट्रेडिशन को न्यू में डाल के। तो गाइज ये हमेशा होता है ना, अपने पुराने कल्चर को हम त्याग नहीं सकते हैं, अपने पुराने कल्चर को न्यू में डाल के उसको मजबूत, जड़ को मजबूत करके ही हम ऊपर मॉडर्न संसार बना सकते हैं, क्लियर है। तो इसी लाइन के साथ चाइना ख़त्म करती हूँ कि चाइना किस तरह से मॉडर्न सोसाइटी बनेगा, अपने पुराने कल्चर को जड़ में मजबूत करके ही वो आगे बढ़ सकता है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। ये हर कंट्री, हर एक का होता है। तन्वी कह रही है थैंक यू सो मच गाइस फॉर मुफद्दल को सबसे पहले बहुत थैंक यू, और जितने बच्चे आए हैं सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू फॉर द लवली सेशन, फॉर योर प्रीशियस टाइम टू टीचर्स मैम, प्लीज सॉल्व द इशू ऑफ योर वीडियो ओवरसाइजिंग ऑन PPT। करेक्ट करेक्ट, मैं अगले बार से ध्यान रखूंगी। रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मुफद्दल, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज। 18th को 7:30 बजे हम लोग कोरिया और ताइवान करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।